दोस्तों एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 स्मार्टफोन आपको कभी कभी ऑफर में 7,500 रुपये देखने को मिल जाता है, हालांकि उसका जो ओरिजिनल अभी प्राइस है 8,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों उस प्राइस बकेट में अंदर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का हॉट 8। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में जबकि आपको इन्फिनिक्स का हॉट 8 में आपको पॉलीकार्बोनेट वाला आपको बॉडी देखने को मिलता है, जबकि आपको एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 स्मार्टफोन में, हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन एक साल पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है मेटल। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों मेटल का जो बिल्ड क्वालिटी है बेटर है, ग्लास से हो या पॉलीकार्बोनेट से हो, मेटल हमेशा मेटल ही रहेगा, हमेशा बिल्ड क्वालिटी बेहतर ही रहेगा। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करें तो एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको देखने को मिलता है 6 इंच का डिस्प्ले 18:9 के रेशियो के साथ, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता गोरिल्लास का प्रोटेक्शन। और यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 8 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, वो भी आपको देखने को मिल जाता है HD प्लस के डिस्प्ले के साथ, और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता गोरिल्लास का कुछ भी तरह की प्रोटेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आपको HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, हालांकि दोस्तों इन्फिनिक्स का हॉट 8 में वाटर ड्रॉप लाइक डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बात बोलूँगा, अगर आपको HD प्लस का डिस्प्ले से किसी तरह के मतलब नहीं है तो आप जा सकते हो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में इन्फिनिक्स का हॉट 8 के ऊपर। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मुझे चूज़ करना होगा तो मैं 18:9 का स्क्रीन ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह की नॉच नहीं है और किसी भी तरह की बिल्कुल आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो डिस्प्ले में एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 एक विनर है। दोस्तों प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में। दोस्तों मैं भी खुद भी पर्सनली Xiaomi का Redmi Note 6 Pro यूज करता हूँ, और इसमें भी आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636। दोस्तों बहुत ही एक अच्छा प्रोसेसर है, आपको डे टू डे टास्क में किसी भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, जबकि मैं P22 भी यूज कर चुका हूँ। दोस्तों P22 के साथ आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 को बराबरी भी नहीं है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो 636 है हालांकि 1.8 GHz का एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, कायरो 260 के ऊपर बना हुआ है, 14 नैनोमीटर का चिपसेट है, डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है, एड्रिनो का GPU है, और यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स की बात करें जो हेलियो P22 हालांकि 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, 2 GHz के ऊपर क्लॉक स्पीड है, लेकिन दोस्तों डुअल 4G वोल्टेज वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों 636 के हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिल सकता। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर आपको एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 एक विनर चॉइस है। हालांकि दोस्तों एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको 3GB रैम देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों 3GB रैम में भी आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है प्योर स्टॉक 100, और अभी 100 पाई का अपडेट भी आ चुका है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था जो एक ब्लॉग में, तो वहाँ पर वो भी पता चल रहा था कि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जबकि इन्फिनिक्स का हॉट 8 में आपको XOS देखने को मिलता है जो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और XOS में बहुत सारे बग्स रहते हैं। हालांकि एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में भी बग्स हैं, लेकिन दोस्तों एक स्टॉक 100 का जो यूजर एक्सपीरियंस है ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा के लिए। दोस्तों कैमरे के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स का हॉट 8 में जबकि आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 13 MP का प्राइमरी सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर, और एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा नाइट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि आपको एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको 13+5 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर माने तो यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 8 का कैमरा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको F1.8 का एपर्चर देखने को मिलता है, और दोनों में आपको फ्रंट में 8 MP का शूटर भी देखने को मिल जाता है, और दोनों में 5000 mAh का भी बैटरी देखने को मिल जाता है, और दोनों में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर 7,500 रुपीज़ में आपको एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 मिल रहा है 3GB 32GB, तो मेरे लिए तो एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 एक बेटर चॉइस है, क्योंकि डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट तो मिल ही जा रहा है, तो मैं मेमोरी को एक्सपांड भी कर सकता हूँ एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में। हालांकि डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट इन्फिनिक्स का हॉट 8 में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स का हॉट 8 से एक बेटर चॉइस है एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1, क्योंकि दोस्तों बेटर स्टॉक एंड मिलता है, यहाँ पर आपको प्रोसेसर बेटर देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी बेटर देखने को मिलता है, और 5000 mAh का बैटरी भी है, हालांकि उसमें भी 5000 mAh का बैटरी है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मुझे चूज़ करना होगा तो मैं एसस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस से ज़्यादा मतलब है,
और मुझे परफॉर्मेंस एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 में बेटर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।